जोशी जी है, उत्तर मुंबई गुजराती सेल के अध्यक्ष है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़े पैमाने पे काम करते हैं। आज स्कूल के बच्चों को एक आइडियल ऐप के माध्यम से एजुकेशन में उनको कैसे लाभ हो उसका वो प्रयास कर रहे हैं। आज उन्होंने कुछ 150 बच्चों को अपने साथ जोड़ा है, आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी और उस ऐप का आज लॉन्चिंग मेरे हाथ से उन्होंने किया है। मैं धर्मेश भाई और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ। जो बच्चे हैं यहाँ पर उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने का एक ही जरिया है कि आप एजुकेटेड जितना हो उतना तेज़ी से देश हमारा आगे बढ़ेगा और ये अच्छा पहल है ऐसा मैं मानता हूँ। धीरे धीरे सभी लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफिस का काम भी हो सकता है, लेकिन डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट जो मोदी जी ने लाया उसका कितना लाभ देश को हो रहा है ये हम सब लोग अपनी नज़र के सामने देख रहे हैं। आने वाले दिनों में डिजिटल के माध्यम से ही बहुत सारा काम चलेगा और उसका प्रयास मेरे मतदार संघ में धर्मेश भाई ने किया, इसलिए मैं निश्चित एक सांसद के नाते उनका अभिनंदन करता हूँ। नहीं देखिए वो ये क्षेत्र से जुड़े हुए, क्या नाम है उनका, नहीं जिनका हमने सम्मान किया, मंदार जी है, वो इस ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। मुझे लगता है कि वो उसके एक्सपर्ट से ही आप बात करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं देखिए ट्रस्ट तो उनके माताजी के नाम पर उन्होंने शुरू किया है तो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में देखा है, जो बेसिक के लोग जितना काम नहीं करते उससे ज़्यादा ये धर्मेश भाई करते हैं, वो करते रहेंगे। इसलिए मैं समय निकाल कर उनके हर कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास भी इसलिए करता हूं ताकि वो और अच्छा करे आने वाले दिनों में। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं 75 के महोत्सव, अमृत महोत्सव का मैं बहुत अच्छे बढ़िया स्वागत करता हूं। आज मैंने ये तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से जो प्रोग्राम रखा है उसका लॉन्चिंग है। ये ऐप मैं आइडियल ऐप लॉन्च कर रहा हूँ मंदार भाई के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के अंदर। इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ परिस्थिति कुछ समय ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ पर शिक्षण थोड़ा सा मैंने भी कम लिया है कुछ परिस्थितियों के हिसाब से, और कुछ समस्या ऐसी रहती है जीवन के अंदर कि हम बता नहीं सकते। तो ये ऐप मैं फ्री में दे रहा हूँ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो ट्यूशन फ़ी और दूसरे खर्चे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैं हर घर पहुंचना चाहता हूं, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं। जैसे मोदी साहब ने कहा है कि हर घर तिरंगा, तो मेरा भी ऐसा एक नारा है कि हर घर एजुकेशन। तो मैं ये ऐप फ्री में दे रहा हूं मेरे साथ मेरे ट्रस्ट में और भी सहयोगी जितने भी जुड़ेंगे भविष्य के अंदर, और मुझे जितनी मदद मिलेगी इस उस हिसाब से मैं इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और आज मैं मुझे मौका मिला है हमारे HB मिश्रा जी, जो हमारे चाचा जी भी है, काफ़ी सालों से इनसे परिचित है, बच्चे के हिसाब मुझे समझते उस हिसाब से उन्होंने आज मुझे पहला उनके स्कूल में ये चांस दिया है कि भाई मैं ये ऐप को लॉन्च करूं। तो इस ऐप को जो आपने लॉन्च किया आज इतने सारे लोग भी यहाँ पर पहुँचे, जैसे हम भी पहुँचे यहाँ पर, इस तरह से लोगों के सपोर्ट को देख रहे हैं, कितनी खुशी है कि लोग आपके साथ खड़े जी। हमारे लोक लाडलीय सांसद साहब श्री गोपाल शेट्टी जी, वो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं और मुझे कोई भी प्रोग्राम में जब उनके पास रूपरेखा लेके जाता हूँ मुझे समझाते हैं, गाइडलाइन देते हैं किस तरह से करना है, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ सपोर्ट बना रहता है, और उनके गाइडलाइन के हिसाब से मैंने आज ये प्रोग्राम लिया है मार्गदर्शन के हिसाब से। तो कोशिश है कि अच्छा है। आप